आगरा के नामनेर स्थित एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं जच्चा और बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही के नाम पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि थाना मलपुआ के कपुआ चौकी क्षेत्र निवासी वीरेंद्र अपनी पत्नी संजू को डिलीवरी पेन होने पर कमला देवी नर्सिंग होम में लेकर आया था। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थी और फोन पर एक कंपाउंडर को इंजेक्शन दे रही थी। इसी बीच अचानक तबीयत बिगड़ने पर एक कर्मचारी पत्नी को लेकर एम्बुलेंस में कहीं और ले गया। पूछने पर उसने नामनेर स्थित जीवन रेखा अस्पताल आने को कहा। आपको बता दें कि परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां एम्बुलेंस में महिला मृत अवस्था में पड़ी थी। पत्नी और होने वाले बच्चे की मौत के बाद वीरेंद्र आपा खो बैठा और उसने परिजनों के साथ सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। जमीन पर लेटकर काफी देर तक रोता रहा। वहीं मौके पर आई पुलिस उन्हें समझा बुझा कर सड़क से हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।